बीते दिनों अमरनाथ यात्री पर हुए हमले को लेकर बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जगतपुर पंचानंद गिरी महाराज ने यात्रियों पर हुए हमले पर निंदा की है। जगतपुर पंचानंद गिरी महाराज ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों सरकारें आतंकवाद के आगे सर झुकाती दिख रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर ISI और आतंकवादी संगठन भारत पर हुए हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पहले देश की राजधानी दिल्ली पर हमला हुआ, फिर अक्षरधाम मंदिर और शेर पठानकोट एयरबेस जैसे हमले को अंजाम दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और BJP सरकार को तुरंत अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 56 इंच का वास्ता भी दिया। देखो जेड़ा अमरनाथ यात्रा थे बहुत ही काराना शिव भगता से हमला करके इस वारदात को आतंकवादियों ने अंजाम दिता है। ये बहुत कारतापूर्वक हमला है। केंद्र सरकार को चाहिए कि J&K के अंदर राष्ट्रपति राज लागू करके तुरंत PDP सरकार के नाल जिहड़ा समर्थन है वापस ले लेना चाहिए, उत्थे राष्ट्रपति राज लागू कर देना चाहिए है। क्योंकि लगातार देश के अंदर कदे पार्लियामेंट पर हमला, कदे अक्ष मंदिर पर हमला, कदे एयरबेस पर हमला, कदे लाल किले पर हमला, एक हमले तो बाद एक हमला अतवादी अंजाम देंदे जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार एक निंदा तो इलावा कोई गल नहीं करती। देश के प्रधानमंत्री सरकार बनने तो पहला कहते हैं कि 56 इंच का सिन है और एक सर्जिकल स्ट्राइक करके चंद जड़े आतंकवादियों मौत के घाट उतारे, उस तो बाद 5 गुना साढ़े फौजियों आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारता, जिहड़ा बहुत ही शर्मनाक गल है। अज सरकार सारे वास्ते पाकिस्तान नाल खत्म करके युद्ध करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गल्लां च मनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हुण भी कोई कार्रवाई ना हो तो कश्मीर साढ़े हाथों जाता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट।